एयरपोर्ट बाधितों का सिडको के खिलाफ मोर्चा, जमीनों के बदले उद्धव सरकार से मांगा नुकसान भरपाई। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में पनवेल के सैकड़ों भूमिपुत्र प्रभावित हो रहे हैं। लगातार मांग के बाद भी न सिडको सुन रही है न ही सरकार। ऐसे में प्रकल्पग्रस्तों ने एक बार फिर सिडको भवन के पास आंदोलन तेज कर दिया है। धरने पर बैठे इन प्रकल्पग्रस्तों का नेतृत्व कर रहे पीएपी नेता रामचंद मात्रे ने कहा कि सिडको ने भोले भाले ग्रामीणों और भूमिपुत्रों को अंधेरे में रखकर उनकी जमीनें हथिया ली हैं। उन्होंने कहा कि सिडको ने ऐसे फर्जी करार बना लिए हैं जिनमें प्रकल्पग्रस्तों को अदालत जाने का भी हक नहीं है, लेकिन हकीकत में आज भी एयरपोर्ट से बाधित हुए भूमिपुत्रों को नुकसान की भरपाई नहीं मिली है और जब तक न्याय नहीं मिलता वे आंदोलन जारी रखेंगे। ये जो एयरपोर्ट आने वाला है इसमें 18 साल के ऊपर जो भी युवक युवतियाँ हैं उनको ट्रेनिंग देके उनको यहाँ नौकरी देने का एमओयू सिडको ने जो कंपनी डेवलप करने के लिए एयरपोर्ट आ रहे हैं उनको देना है। सिडको ने क्या किया है कि हमसे ये एफिडेविट लिया है, जिस एफिडेविट में हमसे लिख के लिया है कि हमको 1894 के कानून से नुकसान भरपाई नहीं चाहिए, 2013 का लार जो कानून है उससे नुकसान भरपाई नहीं चाहिए, सिडको जो देगी वो हम लेंगे और हम सिडको के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएंगे। अभी हमारे सब रास्ते बंद हुए इसलिए हम रास्ते पर आए हैं, इसलिए हमारा जो इंडिफिनिट स्ट्राइक अब जो आंदोलन है वो हमने इधर शुरू किया है। वहीं अपनी जमीनों के बदले मुआवजा और पुनर्वसन की मांग कर रहे प्रकल्पग्रस्तों ने भी अपनी पीड़ा बयान की। उन्होंने कहा कि सिडको प्रशासन और स्थानीय नेताओं ने मिलकर उनका हक छीन लिया है। प्रकल्पग्रस्तों ने कहा कि जब तक सिडको उनका पुनर्वसन नहीं करती वे धरने पर बैठे रहेंगे। हमी धागावचे लोक आहेत, आमच्या धागावच्या लोकांना या सिडकोने एवढं फसवलंय ना का जसं केसात गळं कापलंय, कारण आम्हाला माहीत नसलेल्या ज्या समपत्रावर त्यांनी सही घेतली ना ते सही जर आता आम्ही जिथे तिथे जातो ते समपत्राची सही ऐकून आमच्या कालदाचा पाणी होतोय का, कारण न सांगता न समजवता त्या समपत्रावर आमची सही घेतली, कारण त्याच्यावर काय लिहिलंय ते आम्हाला ना त्याही वाचून दाखवलं ना आमच्या गावच्या कमिटीने वाचून दाखवलं, त्यामुळे आमची फसवणूक झालेली आहे, त्याच्यावर काय लिहिलंय आता तुम्ही समपत्र बघितलं ना की नाही आम्ही कोर्टात जाणार ना आम्ही कुठली तुमच्यावर कारवाई करणार असे काय काय विषय आम्ही लिहिलेले आहेत का, हे जर आम्ही वाचलं असतं की जेव्हा आम्ही ते बघितलं असतं तर आम्ही त्या समपत्रावर सही केली असते का। आज एक दिवस नाही तर दोन वर्ष आम्ही आंदोलन करतो न शिवाय आमच्या या परिस्थितीला जबाबदारी ही सिडको आहे। एवढी जे लोक आहेत सर्व तलावपालीचे आहेत, गावाच्या लोकांनी आम्हाला सिडकोच्या लोकांनी एवढी आमची फसवणूक केली, आम्हाला एकपटच जागा दिली, शिवाय 800 रुपये स्क्वेअर फूटनीच पैसे दिले का, आम्ही गाववाले नाहीत का, आम्ही गाववाले आहेत ना, मग आम्हाला असं का दिला, आमच्या विरोध का केलाय, शिवाय आम्हाला भाडेपट्टी नाही दिली, काय काहीच दिलेलं नाही, फक्त एकपट जागा दिली आणि 800 स्क्वेअर फूटनी पैसे दिलेत, एवढी आमच्या 120 लोकांची फसवणूक केली, आमचा हक्क आम्हाला 3 पटाचा मिळालाच पाहिजे, नाही दिली तर आम्ही सिडकोवर काय कारवाई करून घेऊ कायदेशीर। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।